सुनील शास्त्री जी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के द्वारा अपने पिताजी का व्यक्तित्व और व्यक्ति महत्व बताना चाहते हैं। सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब बाबूजी थे तब उनको कोई बात का अभाव नहीं था, लेकिन वो जाने के बाद उनको अभाव महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि उनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी। जब सुनील शास्त्री जी का जन्म हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। पुलिस मंत्री यानी आज के गृहमंत्री। गृहमंत्री जब वो थे तब उनके पास एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसा सुनील शास्त्री जी को लगता था। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब उनके पास इम्बला शेवरलेट नाम की गाड़ी उनको मिली। इम्बला शेवरलेट नाम की है गाड़ी, जो कोई गेस्ट आते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाती थी। एक दिन सुनील शास्त्री जी ने सीए साहब को आदेश दिया कि वो ड्राइवर को कहे कि वो गाड़ी लेकर रेसिडेंस पर पहुंच जाए। ड्राइवर रेसिडेंस पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। सुनील शास्त्री जी और उनके जो भाई थे, छोटे भाई अनिल शास्त्री, दोनों अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ भोजन के लिए निकल पड़ते हैं। उस गाड़ी में बैठकर सुनील शास्त्री जी एक अनोखी झुरझुर महसूस करते हैं, कि अनोखा अनुभव महसूस करते हैं। इसी तरह उन रिश्तेदारों के यहाँ बातों बातों में उनका वक्त पर कोई ध्यान नहीं रहा, बहुत वक्त हो चुका था। जब उनके ध्यान में आया तब वो जल्दी से लौट पड़े। वह जैसे ही वो अपने घर की तरफ आते हैं तो सुनील शास्त्री जी गाड़ी के नीचे से उतर कर वहाँ संतरी से कहते हैं कि वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ताकि सेलिब्रेट करने से वो खटपट की आवाज़ से बाबूजी को पता चल जाएगा कि सुनील शास्त्री जी ने गाड़ी लेकर गए थे। इसलिए वो संतरी जी को कुछ हिदायतें देते हैं और गेट खुला छोड़ने के लिए कहते हैं। सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री अपने घर के पीछे के दरवाजे से, रसोई के घर से अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनको उनकी अम्मा मिलती है। उन्होंने अपने अम्मा से पूछा कि बाबूजी है क्या? उन्होंने क्या सवाल किया, कि कुछ पूछा था क्या, प्रश्न किया था क्या? हाँ किया था, मैंने सब कुछ बता दिया। और लेखक निरुत्तर हुए, उन्होंने और कुछ पूछा नहीं।